आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। भाकपा माले के द्वारा बिहार में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के अंतर्गत जगदीशपुर में भी प्रदर्शन करते हुए भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में कहा कि लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा, देश बेचू आदमखोर मोदी साह गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। साथियों, आज भाकपा माले का राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है पूरे बिहार में, इसलिए कि जो बिहार की स्वास्थ्य की स्थिति है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है और जो सदर अस्पताल है निजी और रेफरल अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, ये सब ये स्थिति बदतर हो गई है। ना डॉक्टर है, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना सही से आरटीपीसीआर हो रहा है। जगदीशपुर में तकरीबन 15-20 दिन से आरटीपीसीआर बंद है और डॉक्टर भी नदारद हैं और उनसे बात करने पे तो वे कहते हैं कि ये तो ऊपर से ही हम लोग का कुछ मदद नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदतर है कि लोग भय से लोगों की अधिकतर जाने जा रही है कि डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, कहाँ जाकर इलाज कराएंगे। बहुत लोगों की मौत डॉक्टर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में और वेंटिलेटर के अभाव में, फ्लो मीटर नहीं है, बहुत तरह के परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में हमारे भाकपा माले के राज कमेटी ने ये तय किया कि 15 मई को राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा और जो पप्पू यादव जाप पार्टी के हैं उनको जबरन जेल में भेजने का काम किया गया है, जो कि वो दिन रात लोगों की मदद कर रहे थे और उनको बेबुनियादी केस के आधार पर उनको जेल भेज दिया गया। और जबकि जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको जेल भेज देना चाहिए। इस स्थिति में जो काम उनको करना चाहिए पप्पू यादव कर रहे हैं, भाकपा माले कर रही है, लगातार भाकपा माले इस कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है, खाना पहुंचाने का काम कर रही है और आगे भी हम लोग करेंगे। हमारे आयशा इनकलाबी नौजवान सभा लगातार तकरीबन एक महीने से इस कोरोना महामारी में लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे। धन्यवाद।